वोटिंग विकास के मुद्दे पे करनी चाहिए, जो हमारा विकास करे करे। जैसे हमारा गांव किसान ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है, रोजगार बच्चे को मिले। तो हम दे रहे हैं धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं, बाकी कोई मांग नहीं है किसी भी जनता की। अपने को ऐसे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो फिर ऐसे क्यों दे रहे हैं? सारे पढ़े लिखे हैं, हर घर में परिवार में समझदार लोग हैं, सारी जनता जितनी भी है कोई ना कोई तो चलो पढ़ा लिखा होएगा ही, जैसे सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं इस बात, फिर क्यों दे रहे हैं? लेकिन काम नहीं चाहिए इनको, खुद को ही नहीं, हमें खुद ही नहीं चाहिए कुछ, न स्वास्थ्य चाहिए, न एजुकेशन चाहिए, न हेल्थ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धर्म चाहिए। मंदिर कहीं बन जाए, कहीं कुछ और बन जाए। तुसी सारे किचर सटने वाले नेता खड़े हो, तुसी क्यों नहीं फार्म भरते? ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲੂਗਾ? ਚੋਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ अगले नेड़े नहीं होने देंगे कि बच्चों को नौकरियां मिलेगी कैसे। देखिए सर, इस समय जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमें उसको देखना होगा ना, भी क्या कारण है कि नर्सरी में हमारा बच्चा एडमिशन लेता है, 20-25 साल पढ़ाई करता रहता है, और 25 साल पढ़ाई करने के बाद में वो बीए बीकॉम बीएससी करके बाहर निकलता है, और फिर भी उसके हाथ में क्या, उसे भीख मांगनी पड़ेगी, मुझे नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। ऐसी शिक्षा क्या काम की उसे सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है कि मुझे नौकरी सरकारी मिलेगी तो ही मैं काम कर पाऊंगा, वरना काम नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब हमारी शिक्षा में इतना भी दम नहीं है कि वो हमें आर्थिक रूप से सक्षम बना सके। साथी सीए साहब ने कहा है कि हमारा एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, हमारा जो है थ्रेटिकल तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, जैसे सीए साहब ने कहा 25 साल के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं आता, हमारे बच्चे पीएचडी बीएससी एमएससी एमटेक बीटेक सारी डिग्रियां लेकर के उनको जो है नौकरी नहीं मिलती, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी कि हमने एजुकेशन सिस्टम में कमी निकाल दी, लेकिन जब हम वोट डालते हैं तो मुझे सही में बताना कि आप देखते हो कि जो आपका नेता है वो कितना पढ़ा लिखा है। यहाँ पर इस डीएससी से चौपाल में पहला रिजल्ट शायद हम ये निकालते हैं कि हम जब वोट डालेंगे हम अपने कैंडिडेट के अंदर ये देखेंगे कि वो एजुकेटेड है या नहीं है। बिल्कुल बहुत सियानी बात ली है सर ने। आप जब जब सुबह जागते हो ना जी, जब आप बटन दबाते हो उसमें भी टैक्स है, लाइट चलती है उसमें भी टैक्स है, हर चीज, आपने चप्पल पहनी है, कुर्सी पर बैठे हो, पगड़ी पहनी है, आप शेव करते हो, रेजर लेते हो, ब्लेड लेते हो, कुर्सी पे, हर जगह हर चीज पे टैक्स है। आप जो अपनी कमाई का 20-50% टैक्स दे देते हो, उसके वापसी में किस चीज की डिमांड करते हो? 60% टैक्स देते हैं। उस 60% का क्या है, हमारी सोच क्या है कि जो सरकार ले रही है उसके शिक्षा पे हो, उसके बाद जो किसान को मिल रही है उसके हो, उसके बाद जो हमारी सड़कें हैं नहरें हैं, ये ऐसे ऐसे काम होने चाहिए। साथ क्या कारण है कि देखो जो सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, सिस्टम है, करोड़ों रुपए के स्कूलों में खर्चे लगे हुए हैं, उनके खर्चे की पेमेंट हमारी जेब से जा रही है जी, और ऊपर से वो पैसे तुमने दे दिए टैक्स के दो, और हमारे बच्चों की फीस हमें अलग से प्राइवेट स्कूल में देनी पड़ रही है, वहाँ 80-90 हज़ार का टीचर जी जिसकी सैलरी हमें 8 हज़ार का टीचर ज्यादा बढ़िया लगता है। इसका रीजन यही है, अभी जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें कम पैसे में भी अच्छे टीचर है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है। जो सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी टीचर होता है, जैसे हमारा ही सरकारी स्कूल वालों, वो बच्चे पढ़ाते ही नहीं, वो सही टाइम पे आते नहीं, सही टाइम पे जाते नहीं, इसलिए आपस सोच लेते हैं सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ेगा, ये अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, ये अच्छे सिस्टम में नहीं बैठेगा तो प्राइवेट में। हालांकि सरकारी टीचर्स की भी अलग समस्याएं हैं, मैं बता दूं, हमने सिरसा के लगभग हर गांव के सरकारी स्कूलों में हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, एजुकेशन सेमिनार करे हैं, उनकी समस्या मैंने खुद ने देखी है। 10 टीचर्स की जरूरत है जी, 10 में से 4 ही टीचर अवेलेबल है, 5-6 टीचर है नहीं, है नहीं। जो प्यून है उसने, भाई तूने कितने पढ़ाई करी है कि जी बीए करी है, हिंदी पढ़ा लेगा, पढ़ा लूंगा, प्यून पोस्ट का बंदा हिंदी पढ़ा रहा है, तो उनकी भी समस्याएं हैं। उनके मोबाइल में आए दिन रिपोर्ट है कि ये रिपोर्ट सबमिट करो, जनगणना में जाना है, यहाँ जाना है, उनको सैकड़ों काम दे रखे हैं। जब आप टीचर को इस तरीके से मैनेज करोगे तो अगर वो काबिल है भी, ठीक है आपकी बात सही है, नाकामयाबी एक डिफरेंट थिंग, लेकिन जो काबिल है भी वो भी काम करने की पोजीशन में नहीं है। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जेब के पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है, और हम लोग बात ही नहीं करते। बड़ी बीमारी कोई भी आप सोच सकते हैं, और उसका बिल बन रहा है जी 40-50 लाख रुपए। क्या हमने सुना नहीं कि हम क्या सोचते हैं? डॉक्टर साहब पूछते हैं, भाई साहब पिछले कितने परसेंट चांस है? डॉक्टर कहता है 10% चांस है, तो उससे घरों में आंखें बंद कर लेते हैं लोग कि यार 40-50 लाख अगर कहीं से लगा भी दिए बंदा बचाने, तो पीछे वाले खत्म हो जाएंगे लोग। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस हम भर नहीं सकते, सरकारी हॉस्पिटल्स में जो ऊंचे लेवल की बीमारियां उनका इलाज हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छी सेहत की जिम्मेवारी भी सरकार से नहीं आ रही, सुरक्षा भी नहीं आ रही, और शिक्षा भी नहीं आ रही, और हमारी टैक्स का पैसा, हमारी कमाई का 20-50 रुपए का पैसा सारा का सारा वहां जा रहा है। और सबसे बड़ी हार हमारी है कि हम इन मुद्दों पर बात नहीं करते, हम इन मुद्दों को देख के वोट नहीं देते। हम वोट कैसे देते हैं? हवा किसकी चल रही है? सरकार बिल्कुल
फेल हो चुकी है। हर गल से सरकार नाकाम है। जिवें तुसीं कही जांदे ने सरकारी टीचर हस्पताल जे स्कूल वेखो ते उत्थे इत्थे 10 टीचर चाहीदे ने, 5-4 टीचर ने। जे सरकारी हस्पताल च जाओ ते उत्थे डाक्टर नहीं हैगे ने। जिथे 10 डाक्टर की या 15 की टीम चाहिए, 5-4 डाक्टर ने। उत्थे कोई मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है। तो लोगों को सुविधा ना हो, या तो लोगों को सुविधा हो ता जान, लोगों को जो सुविधा नहीं मिलती उस उदू बाद यह सारा जो है कारपोरेटर का खेल है भी ना। सरकारी दे विच कोई चीज़ मिलेगी तो लोग प्राइवेट से जाएंगे। जेडे प्राइवेट होस्पिटल ने वो वड्डिया वड्डिया कंपनियां दे ने। हुण जिवें ला लो बदंता है, फोर्टी हस्पताल है, मेरे ख्याल दे विच पिंड वाला बंदा तो उत्थे जा ही नहीं सकता, क्योंकि उत्थे एक एक दिन का लख लख रुपया वो फीस लेंदे ने। और सरकार जिहड़ी है ये सरकार तो जदों की आई है, मोदी सरकार बीजेपी सरकार, इन्हें तो आम लोगों का पट्ठा पा दिता, किसान का भी मजदूर का। जदों मोदी सरकार आई है 400 का सिलेंडर, कहिंदे असीं गरीबी दूर करांगे, सिलेंडर 1200 का। मोदी सरकार आई है डीजल उदों 55-56 रुपये, 50 रुपये दे असीं हुण 100 तों पार। यह किसानों का जिहड़ा इन्हें वादा किया है उस तो यह मुक चुके ने। इन्होंने उत्तों सानू उठाया दिल्ली, असीं 13 महीने बैठे रहे हैं, क्या भी असीं तुहानू MSP देवांगे, 2020 बिजली बिल रद्द करांगे। ना तो 2020 बिजली इन्हें रद्द किया है, ना ही इन्हें MSP दी है। झूठा नारा सानू दे के उत्तों नूं उठाया। बस हुण तां साडा प्रधानमंत्री मदारियां दा डुग डुगी बजा दा काम बनाता, असीं मंदिर बना दा। पहले मान सो जिंदा साडा टिट भुखा सी, मंदिर तों की लवांगे। इन्हां हाकमां दा चारा की करिए जिहड़े राज सरकार ते बैठे, इन्हों हाकमां का चारा की करिए जी थां बैठे हो थां खा गए। इन्हों को बचा लो, बच्चों कुकड़ खाण लगे सारे कां खा गए, वो कल ये ना कह जहान वाले के पोते का दे अपनी मां खा गए। इन्हों कोई एतबार नहीं है। साथियों तुसीं टैक्स के पैसे की गल की, पहला दो दिन पहला वैद वाले एक विभूति आई है, वो 6-7 बसा का पुलिस दिया ने। बिल्कुल जी। और ना वो कैंडीडेट, हाँ जी, चुनाव आयोग ने यह नहीं दसता भी ये पैसे का इन्ना मिसयूज कर रहे हैं। तो मैं जनता तो पुछता भी विकास है की है, विकास एक आदमी का ना रखा इन्होंने, मोदी का ना ही विकास है। सही गल जी, दस्से तो सही विकास की है। बिल्कुल बिल्कुल जी। किसानों जो वादे किए इन्होंने कि 2022 ची आमदन दुगनी कर देंगे, साड़ी तो सही बात है। इन्हों तो सच पुछो तो जहर भी प्योर नहीं आ रहा, एक गुल्ली डंडे की दवाई आती है, गुल्ली डंडा नहीं मरता। नरमे वाले बैठे इतने बेचारे, इन्होंने को टिंडे की सुंधी से मरती नहीं। गल करते हैं दूजे देशों जाके, वो कहना वो मां पुक न मर गई धी का ना रजो, तुहाडी डिग्री है। इन्हों की जेडे इलेक्शन लड़न वाले ना, इन्हें घटो घट इन्हों डिग्री होल्डर होने चाहिए है। कोई 5 पढ़िया, कोई 7 पढ़िया, कोई 8 पढ़िया, कोई डिग्रियां छिपाई फिरता है। पहली नौकरी मेरी डिग्री से मिली है ना, इन्हों वास्ते भी समय सीमा से डिग्री जी पढ़ाई है ना तय होनी चाहिए। इन्नी पढ़ाई की सर्टिफिकेट होगा तो तू कैंडीडेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी कह रहे थे कि बिना पैसे के इलेक्शन मुश्किल है, लड़ना मुश्किल है, कोई दो राय नहीं है। पैसा बहुत लगता है, वही खड़ा होता है जिंदे को पैसे है, पैसे जेड़े भी उन्होंने जेड़ा भी तरीका मिलता है पैसे कमाने उन्हें पैसे कमा है। इनकी पहल ना तो पिंड तो ही शुरू हो सकती है। तुम अपने पिंड च कोई बंदा अगे करो, चाहे वो सरपंची करे जो मर्जी करे, चाहे वो पंच बने, वो बंदा बने जो पढ़ा लिखा है, जिंदी नीयत साफ है। तुम अपने आप चो ही बंदे कढ़ने हैं। हर नौकरी के लिए एक टेस्ट होता है, वैसे ही नेताओं के लिए भी एक टेस्ट होना चाहिए। अच्छा नेता चुने, पढ़ा लिखा चुने, और अपने को पता होना चाहिए अपनी, जो मेरे भाई बैठे है, मेरे बुजुर्ग बैठे है, भी आप वोट डाले तो अपना वोट सही डाले। सारा को वो टीका लगाया, दो दो टीका लगा के सारा इंडिया सारा खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अब किससे वोट लगाओ, किससे वोट लेने आया हो? वो खतरनाक आदमी का लुगाई नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं है। जिसका लुगाई बच्चा है उसको चिंता है, जिसका लुगाई चिंता नहीं है उसको कोई चिंता नहीं है। ये तो आधा लोग मार दिया, खुद मेरे घर वाला को मार दिया वो मोदी ने। और ये बोलता है तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा, टीका नहीं लगाएगा पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन को बंद करा दिया उसने, उसको किस चीज का वोट देना है।